दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर में हुई 12 रुपए की बढ़ोतरी। झारखंड में मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए झारखंड में 210 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 210 रुपए मजदूरी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। बड़ी खबर है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी केंद्र सरकार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि देश में जबरन जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता स्वयं इसे नियंत्रित कर रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा के निजी विधेयक जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पर हुई चर्चा के दौरान मांडविया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई है। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है उनकी पहचान की गई है और वहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरहुल और रामनवमी जुलूस को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। झारखंड में सरहुल और रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है। हालांकि एक से अधिक जुलूस एक साथ बारी बारी से निकलने पर इसमें अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह जुलूस शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलेगी। यानी रामनवमी के अवसर पर देर शाम तक निकलने वाले जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। 20 अप्रैल तक कर सकते हैं झारखंड के मॉडल विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन। जैक ने झारखंड के सभी मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2022 में नामांकन के लिए सूचना जारी की है। झारखंड में 89 मॉडल विद्यालय संचालित हैं और इसमें 6ठी कक्षा से नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। जारी पत्र में आवेदन जमा करने की तिथि 31 मार्च से 20 अप्रैल तक तय की गई है। गैर आवासीय इस विद्यालय में नामांकन के लिए परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क ली जाएगी। जैक की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा हुए आवेदनों को जांच कर जमा करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। झारखंड के इन 5 जिलों में लू चलने की चेतावनी। बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने झारखंड के 5 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव से इनकार किया है, लेकिन राहत की बात यह है कि 3 अप्रैल से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में लगातार तापमान में वृद्धि होता रहेगा। 3-4 दिन तक अभी यही स्थिति यथावत बनी रहेगी। कॉमर्शियल LPG की कीमत में फिर हुई 250 रुपये की वृद्धि। शुक्रवार को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG की कीमतों में 250 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़त हुई। यह एक महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इसके साथ ही 19 किलो कॉमर्शियल LPG गैस की कीमत अब 2253 रुपये हो जाएगी। 1 मार्च को कॉमर्शियल LPG में 105 रुपये की वृद्धि की गई थी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते घरेलू रसोई गैस LPG की कीमत में प्रति सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें कि पिछले साल 4 नवंबर से ईंधन की कीमतों की बढ़त पर रोक लग गई थी, लेकिन 22 मार्च से बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। यूक्रेन में रूसी सैन्य युद्ध के कारण कच्चे तेल के ऊपर जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल को देखते हुए कीमतों में और वृद्धि होना तय है। देश में मतदान करना हो सकता है अनिवार्य। विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में अनिवार्य मतदान की बाध्यता उचित नहीं होगी और सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोग चुनावी प्रक्रिया की तरफ स्वतः आकर्षित हो।
दूसरी ओर भाजपा के कुछ सांसदों ने कहा कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा लाए गए गैर सरकारी विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने कहा कि हमें एक व्यवस्था बनानी होगी जिसे लोगों को मतदान के लिए आकर्षित किया जा सके, लोगों को लोकतंत्र में विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें चुनावी तंत्र में धन बल और बाहुबल को खत्म करने की आवश्यकता है। केंद्र से झारखंड को मिला 12,000 करोड़। झारखंड में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। इस राशि का उपयोग झारखंड के ग्रामीण विकास के लिए चल रहे योजनाओं में किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा के अतारांकित प्रश्नकाल में रांची के सांसद संजय सेठ ने दिशा समिति के लक्ष्य से संबंधित सवाल किए थे और इसकी स्थापना के उद्देश्य पर जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही सांसद ने ये भी जानना चाहा था कि गत 3 वर्षों में झारखंड में दिशा समिति की कितनी बैठक हुई। दोस्तों, बड़ी खबर है, फिर टली लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से संबंधित मामले में 5 वर्षीय सजा से दंडित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। आरजेडी प्रमुख ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के समक्ष पेश होनी थी लेकिन वे नहीं आए, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके पूर्व भी 2 बार भिन्न भिन्न वजहों से सुनवाई टल चुकी है। लालू यादव 14 फरवरी से जेल में हैं। उन्हें डोरंडा कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में 5 वर्ष कैद की व 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण से रांची जेल से उन्हें पहले रिम्स में एडमिट किया गया। बीते हफ्ते उन्हें एम्स लाया गया था। बता दें कि लालू यादव ने इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। देश में कोरोना वायरस के 1,335 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 1,335 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,25,775 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 13,672 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 52 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,181 हो गई हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले राष्ट्रीय दर 98.76% है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 635 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, प्रमोशन में आरक्षण रद्द किया तो देश भर में फैल सकती है अशांति। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर STSC कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया जाता है तो इससे देश भर में अशांति फैल सकती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र ने बताया कि आरक्षण की नीति संविधान और इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अगर मामले की अनुमति नहीं दी जाती है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को दी गई प्रमोशन में आरक्षण के लाभों को वापस लेने की आवश्यकता होगी। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सैलरी का पुनर्निर्धारण हो सकता है। पेटीएम की नई सौगात, अब बिना पैसे भी बुक कर सकेंगे ट्रेन का टिकट। पेटीएम ने पेटीएम पोस्ट पैड के साथ IRCTC टिकट सर्विस पर बुक नाउ पे लेटर की सर्विस शुरू की है, जिसके तहत आप टिकट को तुरंत बुक कर सकते हैं। इसका भुगतान बाद में कर सकते हैं। टिकट करते समय पेमेंट ऑप्शन में आपको पे लेटर को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद बिना पैसे दिए आपकी टिकट हो जाएगी। टिकट के पैसे आप बाद में भी दे सकते हैं। पेटीएम ने इन पैसों के भुगतान के लिए एक समय सीमा फिक्स की है। पेटीएम पोस्टपेड 30 दिनों के लिए अपने यूजर को 60,000 रुपये तक का क्रेडिट देगा, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इस क्रेडिट से हुए सभी खर्चों का बिल
आपको महीने के अंत में दिया जाएगा। अगर आप एक साथ बिल के सारे पैसों का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप ईएमआई में पैसों का भुगतान कर सकते हैं। बड़ी खबर है, देवघर पुलिस ने दबोचे 5 साइबर क्रिमिनल। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के वीआईपी चौक के समीप छापेमारी कर 5 साइबर क्रिमिनल्स को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में 4 साइबर क्रिमिनल्स एक ही परिवार के हैं। यह सभी अपना नंबर विभिन्न बैंक के विज्ञापन में डालकर लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे और साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इनमें से कुछ साइबर क्रिमिनल्स पैसे की लेन देन भी करते थे। इसके अलावा साइबर अपराध में दलाली का काम और साइबर अपराधियों को पकड़वाने का भय दिखाकर भी धन उगाही की जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया छात्रों को सफलता का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचने के गुर बताया और सफलता का मंत्र दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ हल्का फुल्का संवाद भी किया और परीक्षा एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात की। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से पूछा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या केवल रील देखते हैं।